आइए देखते हैं बहुशंकु प्रक्षेप कैसे बनते हैं। सवाल है, आरएफ 1:12,50,00,000 मापनी पर एक बहुशंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। अंतराल 15 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर, तथा देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पूर्व से 135 डिग्री पूर्व हो। हमें क्या करना है, आर निकालना है। 63,50,00,000 में भाग देंगे 12,50,00,000 का। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 5.08 सेंटीमीटर। बहुशंकु प्रक्षेप बनाते कैसे हैं? सबसे पहले 5.08 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और इस पर लंब डालकर चाप लगा देंगे। अब देखिए, यहां पर अक्षांशीय विस्तार 30 से 75 डिग्री बताया गया है, तो हमें इसके कोण बनाने हैं जो अंतराल 15 डिग्री के अंतर पर बनेंगे। तो 30, 45, 60 और 75, इस तरह से कोण बनाने के बाद ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की ये जो दूरी है, इसको सीधी रेखा द्वारा मिला लेंगे और प्रकार में ये दूरी लेकर एक चाप यहां पर केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से लगा लेंगे। अब जैसे ये 5.08 सेंटीमीटर की रेखा खींची गई है, बिल्कुल इसी के समानांतर हमें ये जहां पर टच कर रहा है उसको मिला लेना है। तो 30 डिग्री का यहां पर टच कर रहा है, तो इसके समानांतर, इस लाइन के समानांतर इसको खींचना है, फिर 45 का, 60 का और 75 का। ये लाइनिंग बिल्कुल सीधे इसी के समानांतर होनी चाहिए। उसके बाद करना ये है कि ये लाइन इस पर और ऊपर तक लंब डालेंगे और यहां पर ये जो बना है 30 डिग्री का जो कोण है, इस पर 90 डिग्री का एक कोण यहां पर आधार इसको मानेंगे और 90 डिग्री का कोण इस तरह से बना लेंगे। जहां पर ये टच करेगा वहीं तक इसको बनाना है। उसके बाद 45 डिग्री पर आएंगे और यहां पर भी एक 90 डिग्री का कोण इस तरह से खींच लेंगे। इसी प्रकार 60 पर और 75 पर इस तरह से 90 डिग्री के ये कोण बना लेने हैं। प्रक्षेप बनाएंगे कैसे? सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये जो 30 डिग्री पर जो बना है, इस दूरी को प्रकार में लेंगे और इसको सेंटर मानकर एक चाप लगा लेंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश शो करेगा। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री से 75 डिग्री, तो 30 तो हमारा बन गया। अब आगे 75 तक जाना है, तो बीच में जो दूरियां होंगी वो इसके बराबर की होंगी। ये जो बना है इसको प्रकार में लेंगे और यहां पर रखकर इसको निशान लगा लेंगे। तो 30 हो गया, 45 हो गया, एक और बनाएंगे 60 और फिर 75। दूरी बिल्कुल यही होगी और इनके बीच बीच में इनको निशान बना लेना है। उसके बाद करना ये है कि हमारा 30 का तो ये बन गया, ले लिया। अब क्या है कि ये जो 45 डिग्री पर ये जो दूरी बनी है, इसको प्रकार में लेंगे ये वाली, और प्रकार में लेंगे और पेंसिल को यहां रखेंगे और जहां पर ये नोक प्रकार की जहां पर जाएगी वहां से हम इस तरह से चाप लगा लेंगे। सपोज दैट नोक यहां पर आई। उसके बाद आगे जाएंगे 60 पर, 60 के, 60 का ये वाला भाग यहां पर लेंगे प्रकार में और पेंसिल की नोक यहां रखेंगे 60 वाले पे, और जहां पर भी प्रकार जाएगा वहां से हम चाप लगा लेंगे। इसी तरह से 75 पे आएंगे, ये वाली दूरी लेंगे प्रकार में और पेंसिल की नोक यहां पर रखेंगे और
ये इस तरह से चाल लगा लेंगे, वो जहां पर भी नोक जाएगा वहां से इस निशान को लगा लेंगे, तो इस तरह से हमारे अक्षांश बन जाएंगे। उसके बाद देशांतर बनाने के लिए ये जो दूरी है 30 पर, इस दूरी को लेंगे और 30 पर काटेंगे, तो ये तो हमारा 90 हो जाएगा। और बनाना कितना है, 30 से 135 तक, तो 30 से 135 बनाना, जिसमें 90 90 बन गया है, और दूरी लेंगे ये वाली और हम काट लेंगे 75, 60, 45 और 30, 75, 60, 45, 30। इसी तरह से ये तो 30 से हो गया, अब 135 जाना है, 90 के बाद फिर काटेंगे, दूरी यही होगी, 90 के बाद आगे जाएंगे 105, 120 और 135। तो ये तो 30 पर लिया था, 30 पर बटा है। अब इसी तरह से हमें 45 पर काटना है, जो दूरी होगी 45 वाली, ये वाली दूरी 45 वाली, इसको प्रकार में लेंगे और इस पर इसी तरह से निशान बना लेंगे। उसी प्रकार 60 वाले और 75 वाले पर भी निशान, इनकी दूरियों को लेना है और निशान लगा लेने के बाद इस तरह से दिखेगा। उसके बाद फ्रेंच कर्व या किसी अन्य माध्यम से इन बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे। और यहां पर लिख देंगे 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90 हो गया, 105, 120, 135। तो देखिए देशांतरी विस्तार 30 से 135 हो गया है, और अक्षांशीय विस्तार 30 से 75, 30, 45, 60 और 75। ये जितने भी बाहरी लाइनिंग है इनको मिटा देना है, और यहां जो भी बिंदु हम लेकर खींच रहे थे, जो पॉइंट यहां पर बने होंगे उनको बना लेना है, आरएफ लिख देना है,